नमस्कार, आप सभी का एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET UG की जो काउंसलिंग है उसकी शुरुआत औपचारिक रूप से हो चुकी है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है, पहले ध्यान से आप इस नोटिस को सुनिएगा, इसके बाद इस पर एक हम बड़ा वीडियो अभी रात तक अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाने जाऊँगा तो उसके बाद मैं अपलोड करूँगा, लेकिन अभी जो सूचना है आप उसको ध्यान से सुनिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज की जो रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की जो डेट थी वो 20 अगस्त की डेट थी, इसके बाद अब कोई डेट नहीं बढ़ेगी। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नोटिस को जारी किया है, उसमें कहा है कि अब इसके बाद कोई भी डेट किसी भी पाठ्यक्रम के लिए नहीं बढ़ेगी। 20 तारीख तक इसका समय था। कुछ बच्चों को आज, जैसे BA के बच्चे कुछ थे जिनको दिक्कत कुछ आ रही थी, उनका फीस पेमेंट ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो काउंसलिंग का पहला चरण अब शुरू हो गया है। अब पहली बार ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस की लिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अब समझिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या है, और सारे कोर्स के विद्यार्थी इस पूरी सूचना को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वरना आप कंफ्यूज बहुत अच्छे से होंगे। सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। दूसरी बात यह है, चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ये मेरा वादा है। अब ध्यान से आप सूचना को सुनिए। सूचना में कहा गया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो समाप्त हो गई है, अब कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारी संख्या में जो BA के कुछ बच्चे थे जिनको कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, और जिनको फीस पेमेंट में, सिलेक्शन तो कोर्स का आपने कर ही दिया है लेकिन फीस पेमेंट में बच्चों को दिक्कत हो रही थी। 12th के सब्जेक्ट बहुत बच्चों के जो एडिट हो गए हैं उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, शायद करेक्शन विंडो भी अब नहीं निकालेंगे। ये ध्यान से पहले सूचना को सुनिए, स्टेप बाय स्टेप जो भी सूचना वहाँ से आएगी मैं आपको सर्कुलेट करूँगा। ये अब प्रेफरेंस लिस्ट भरवाएंगे। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब ये है कि जो कॉम्बिनेशन रहता है वो कॉम्बिनेशन सिर्फ दो कोर्स में रहता है, BA में और BSc बायो और BSc मैथ में। कॉम्बिनेशन की वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, वो वीडियो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। जो आप लोग कहते हैं आप बार बार वही वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको जगाने के लिए वो वीडियो अपलोड बार बार करता हूं कि आप लगातार एक्टिव रहें। कॉम्बिनेशंस की लिस्ट मैं अपलोड कर दूंगा, प्रेफरेंस लिस्ट आपको उसी फॉर्म में मिलेगी। ये कहा गया है कि अभी जो पहला चरण है काउंसलिंग का वो BA और BSc बायो और BSc मैथ के बच्चों के लिए है, यानी कि और जो कोर्स के विद्यार्थी, जैसे BCom का हुआ, BLLB का हुआ, BFA का हुआ, BPA का हुआ, BBA, MBA, BVOC, जितने कोर्स हैं उनके बच्चों को अभी कुछ नहीं करना है। जो BA वाले बच्चे हैं और जो BSc वाले बच्चे हैं इनको सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है। सब्जेक्ट प्रेफरेंस में क्या भरना है, जो कॉम्बिनेशन होता है शायद वही भरना होगा, लेकिन अभी इसकी स्पष्ट सूचना मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन 25 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है, यानी सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरने का आपके पास 5 दिन का समय है। सूचना जो आई है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसमें ये कहा गया है। और इसके बाद फिर ये कहा गया है, वरीयता की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। इसके बाद इस अवधि के दौरान, यानी कि 5 दिन के अंदर, जिन बच्चों का अभी BA, BSc और बायो में कार्यक्रम में पंजीकरण शुल्क जिन्होंने नहीं जमा किया, यानी कि जिनका पेमेंट अभी फंसा हुआ था, जिन बच्चों का पेमेंट खुल नहीं रहा था, यानी कि BA और BSc की मैक्सिमम बच्चे जब अभी सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन करें तो उनका पेमेंट ही नहीं हो रहा था, तो इस वजह से उनको पेमेंट करने की भी छूट दी जाएगी। यानी कि जिनका फॉर्म अभी सिर्फ BA और BSc वाले बच्चों का जिनका रुका हुआ है उनको पेमेंट भी करने की छूट दी जाएगी। यानी कि 25 तारीख तक आपको अपने सब्जेक्ट, जितने बच्चे हैं उन सभी को सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है, और जिन बच्चों का पेमेंट रुका हुआ है उनको भी ऐसा काम करना है। यानी कि सभी लोग जितने, जिन्होंने BA और BSc में रजिस्ट्रेशन किया है वे अब प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वो लिस्ट भरेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, वो वहीं पे सेलेक्ट होगा, आपको वहीं से सेलेक्ट करके भरना होगा। ये सूचना है। BA और BSc के बच्चे के लिए अभी पहला राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है, अभी कट ऑफ नहीं आई है, अभी आपकी काउंसलिंग नहीं स्टार्ट है, बस आपको अब प्रेफरेंस लिस्ट भरना है, ये सूचना है, आप ध्यान से सुनेंगे। बाकी जो और कोर्स के विद्यार्थी हैं उनको अभी कुछ भी नहीं करना है, उनको शांति से भी बैठना है, उनकी जो भी सूचना होगी हम आपको देंगे, लेकिन ये पहला राउंड अब स्टार्ट हो चुका है, अभी कट ऑफ नहीं आई है, पहले प्रेफरेंस भरवाएंगे फिर कट ऑफ जारी करेंगे सारे कोर्स का। तो BA और BSc BCom, BA और BSc बायो और मैथ के लिए
पहला सब्जेक्ट प्रेफरेंस का लिस्ट है। अब आप पूछिए, बीकॉम में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसमें 6 विषय साथ ही होते हैं। बीएलएलबी में कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं रहती, उनका अपना एक अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट है। बीवॉक, उसके बाद जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, वहाँ पर कॉम्बिनेशन का लोचा नहीं रहता। तो इस वजह से पहला राउंडअप यहाँ पर स्टार्ट है बीए और बीएससी बायो और मैथ के बच्चों के लिए। तो जुड़े रहिए लगातार, अब वीडियो अपडेटेड रहिए, एक एक वीडियो देखते रहिए, और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको परेशान नहीं होने दूंगा, मैं सारी सूचना बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा। थैंक यू।